अगर आंदोलन एक साल भी चलाना पड़े, दो साल भी चलाना पड़े तो हम चलाएंगे। ये तो समाधि या समाधान, हमारे पहलवान जी पिछले 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारा जो है ना पर्सनल आदमी होगा हमारे बीच का, अब हम उसको वोट करेंगे और उसकी साथ रहेंगे। ये जो जिनको आपने वोट दिया था वो तो आपके पर्सनल थे? वो नहीं हमारे पर्सनल थे, उनकी हमें जानकारी नहीं थी। अब हमें जानकारी होगी, अब हमें जो उन्होंने यहाँ तक किया कि अगर पार्टी का बन के आगे तो अपने चौतरा की तरफ, अपने मेरा भाई भी है ना, अगर पार्टी का बन के आगे तो चौतरा से नीचे उतार दूंगा, चौतरा ऊपर चढ़ दूंगा। जो आप जिसकी बात कर रहे हो पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ाओगे? कौन से, किसको जो अभी बात कर रहे हैं वो किसी से भी से हमारे बीच का आदमी है, पार्टी से मतलब नहीं है ना। पार्टी से बाहर होकर मैदान बात कर देगा? कैसे नहीं करेगा? अरे यार कितने बताऊं योगी की गवर्नमेंट में खुद योगी लाया था के अपने एमएलए को योगी के खिलाफ धरने पे बैठ गया। कितने बताऊं मैं, बताऊं तुम्हें, जो अपने दम पर चुनाव लड़ता है ना और जो अपने दम पर जीत का आता वो किसी के भी खिलाफ बैठ जाता है, इसका क्या मतलब है? ये जो विधायक है आपके बीच के नहीं है? नहीं, हमारे बीच के मंत्री के बेटे हैं? नहीं है, गृह मंत्री के बेटे नहीं है, ये रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये बेकार है, ये फोटो खिंचवाने वाले, बस इनका काम बस की नहीं है। हाँ तो मजबूत आदमी हो? मजबूत नहीं है यार, ये मजबूत कहाँ है, अब क्या बताऊंगा, तो मजबूत कौन कराए ना, क्या मजबूत होते? मजबूत वो नेता होता है जो पब्लिक को देख के पब्लिक के बीच में चले, वो जो पब्लिक से डर रहा है, जो पब्लिक से डर रहा है वो मजबूत नेता होता है। नीरज जी एक बात बताए, ये जनता से बाहर कैसे हो सकता है प्रतिनिधि? जनता से बाहर ऐसे हो सकता है प्रतिनिधि, उन्हें दिख रही है ना गाँव का, यहाँ जो ना कितनी वोट है, ये 81 गाँव में से भी 27 गाँव दूसरी विधानसभा में लगे, या 54 गांव लगे हैं विधानसभा में, लेकिन झटका देंगे पूरी तरह, इसे दिखा देंगे जीत होती क्या है। हमारी साथ जेल में भी गया, हम उसको वोट करेंगे, अगर उसको टिकट मिला तो उसको जी और जान और धन और दौलत सब चीज से तैयार रहेंगे और उसको वोट करेंगे। नाम तो बता दो, लोग भी जान जाएंगे। उन लोगों को सबको पता है, सबको पता है पार्टियां तो सभी ऐसी होती हैं, यहाँ सबको चुगा जाता पार्टियों को, कोई पार्टी यहाँ खैरी केन मट्ठा ना, हमारे एक देशी में कहावत है खैरी केन में मट्ठा ना कोई भी, सब पार्टियां ऐसी होती है। किसने जो इसको ही हम कौशल लगे पहली वाली ने क्या कर दिया, आंदोलन चल रहा है, इसकी समस्या की चाबी नोएडा प्राधिकरण पर है या लखनऊ में है? समस्या की चाबी नखला और नोएडा दोनों में बराबर है। यहाँ की ऋतु महेश्वरी जो है संपूर्ण जानकारी वहाँ नहीं देती, अगर वहाँ संपूर्ण जानकारी देती तो वे अब तक जो है ना समस्या का निदान हो जाता। मान ले जाए ऋतु महेश्वरी नहीं दे रही, लेकिन अथॉरिटी दो वो तो दे रहे होंगे ना, वो भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही, सब ऐसे ही तीनों, ये चमचे होते हैं, अब नेता नेता नहीं है, अब अफसर नेता है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो मोदी जी और योगी जी आ चुके हैं कई बार, उनको पता नहीं है क्या दोवाल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ मोदी जी और योगी जी जो आए हैं ना, उनको जानकारी, उनके जो ओरिजिनल किसानों में पहुँचने कौन दिया, उनके दौरे तक कोई नहीं पहुँचने दिया, पहले बीच में दल्ला पहुँच जाते थे। दल्ला कौन है? जो दल्ला है वे समझ में, तुम्हारी भी समझ में, सबने देखे वे दल्ला, आगे 4 महीने होने जा रहे हैं पूरे आंदोलन को जी। ये पाकिस्तान की बात करते हैं भारतीय है जो बीजेपी वाले, आप किस बात क्यों नहीं जान रहे हैं वो? हम किसका विश्वास करें, आपसे पहले कौन आ, उससे पहले कौन आ, किसका विश्वास करें? हमें तो राजनीति पार्टी सब एक सी लग रही है, हम काई का समर्थन नहीं करेंगे, जो हमारा काम करेगा और जो हमारे बीच में रहेगा हम उसका समर्थन करेंगे, बाकी राजनीति पार्टी किसी का हम कोई समर्थन नहीं करते। कौन कर रहा है समर्थन? जो हमारी साथ है हम जान रहे हैं उसको, उसकी वोट करेंगे, जो भी है हमारी साथ है। मोदी जी बोलते हैं कि हम किसानों को घर देंगे और यहाँ उजाड़ू नीति चल रही है सारी, दूसरी मांग हमारी 10% मांग नहीं है, हमारा करार है, ऑन डॉक्यूमेंट हमारा करार है, 100 रुपये मिलने थे हमें हमारी ज़मीन के, हमें 90 रुपये दे के ये बोल दिया गया कि जाओ 10 रुपये के बदले हम तुम्हें डेवलपमेंट करके प्लॉट देंगे, क्यों नहीं देते भाई? अरे तकादा हमारा करार है, दूसरी मांग हमारी वो है, तीसरी मांग हमारी पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी। अगर मैं गढ़ी चौखंडी निवासी और मैंने बसई गांव में ज़मीन ले ली तो बोलते हैं तुम्हें उसके बदले जो 5% मिले 10% मिले वो नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे भाई? अरे मेरी कमी इतनी सी तो मैं गढ़ी चौखंडी का, बसई में ज़मीन है मेरी, गैर पुश्तैनी पुश्तैनी का भेदभाव खत्म होना चाहिए। चौथी मांग हमारी गांवों के जो सर्विंग विकास हैं सब रुके हुए हैं, अगर गांव की स्थिति आप नोएडा के गांवों की देखोगे, गांव की स्थिति देखोगे तो गांव पूर्वांचल के गांव से भी नोएडा के गांव बुरे हैं। कहा जा रहा कुछ मांगों पे सहमति बन गई है, जो सहमति बन जाएगी और जो भी होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक बनी है या वैसे ही? अभी तक जो है ना ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो बन जाएगी हमारा जो काम करा देगा हमारा तो वही है, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी से भी, सीधी सी बात है 100% बात है। बीजेपी वाले करते हैं कमाल है, जो काम कराएगा हम और लड़के के लिए काम के लिए लड़ रहे हैं ना, राजनीति तो सिवाय अपनी रोटी सेकने के लिए लाशों पे राजनीति करते हैं, बाकी इनका कोई किसी से कोई सारोकार नहीं होता। अभी एक के पास पैसा मिल गया, वहाँ पे डले फेंक रहा, वहाँ पे डले फेंक रहा, ये सब पैसा चुनाव में खर्च होने जा रहा था, अन्य वो पैसा को निकाल कर अपने घर में जब भी दबा के रखता था।
ये तो सिर्फ जो ना एक दूसरे कानपुर वाले पैसे की बात कर रहे हैं। अब तुम्हें नहीं पता अगर जो एक पार्टी ऐसी है बाकी थोड़ी सी लगाम खींचते हैं नहीं वहीं कहीं आ जा एक आध दो शब्द खींच बोलने के बाद भी क्योंकि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में कोई भी कम ना सब जो ना एक से एक आगे एक कूदे नौ तो एक कूदे तेरे नीरज जी सोल्यूशन कैसे निकलेगा इन चीजों का कैसे सोल्यूशन हम खुद है एक की दवा दस की दवा बीस आप तो चुनाव लड़ते ही नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं तो फिर सोल्यूशन कैसे हम टांग पकड़ खींचेंगे ना अपने बीच में को पता नहीं है तुम्हें एक 15 दिन हो गए हफ्ता में बीच में भलकन एक महीना होगा सीओ ने दर्शन नहीं करें अथॉरिटी के ये हमारी ताकत है कि नहीं है नहीं है घेर रखा ना ताकत से ही तो घेर रखा अगर मैं तड़की कराऊं तो मुझे 10 डंडा मार के वहां ले जाएंगे काम करा के लेके जाएंगे काम करा के ये नहीं है कि तड़की जो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी समाधि या समाधान सोनू भाई तो क्या लग रहा समाधि होगी या समाधान होगी बिल्कुल या तो हमारी समाधि होगी हम पूर्ण रूप से निश्चित रूप से बिल्कुल या तो मरेंगे या अपना काम इस नवेड प्राधिकरण इशू करा के लेके जाएंगे और बाकी क्या मांगे क्या मांगे हमारी पहली आबादी है जो हमारे पुश्तैनी 100, 200, 500 साल पुराने घर जिनमें मेरी 5 पीढ़ी वास करी है वो भी नवेडा प्राधिकरण ने अपने अधीन कर लिए अधिग्रहण कर लिए अपने नाम दर्ज कर लिए किसान भगा दिए नक्शा नीति ये तो बनाएंगे 20 मंजिल 30 मंजिल और हम 3 मंजिल बना 2 मंजिल बना हम इनसे कह रहे हैं हमें 18 मीटर दे दो ये कह रहे हैं 15 मीटर कोई बड़ा ज़्यादा बड़ी है कोई मांग नहीं बाकी जो हमारी मेन मांग है वो 10% वाली तो मांग 10% आबादी और 64% कुछ लोगों को मिल चुका है कुछों का बकाया ये मांगे भैया ये सरकार आँखों पर काली पट्टी बांधे हुए बैठी है इसे ना तो रोड पर किसान दिख रहे हैं कुछ नहीं हाँ दिख रहा है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव दिख रहा है इन लोगों को बस बाकी कुछ नहीं चुनाव दिख रहा था तो काले कानून वापस कर लिए और चुनाव की तैयारी में लग गई सुबह कहते हैं कि सुबह 2-2 लाख 5-5 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं शाम में 11 बजे से ओमिक्रॉन कोरोना वायरस आ रहा है ये इनकी नीति है अरे रात में आता है वायरस सुबह कहाँ चला जाता है तुम्हारी रैलियों में कहाँ चला जाता है वायरस किसान आंदोलन कर रहे हैं सुनने वाला है बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में किसान अपना हक लेकर हैं किसान इतने मजबूत है इस देश के वो मर जाएंगे और अपना समाधान इस नवेडा प्राधिकरण से या देश के किसी भी तानाशाह करवा के जाएंगे।